तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आ चुका है कि फ़ोन हीट हो गया है 4K वीडियो पे। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि फ़ोन जो है यहाँ पर अटक गया है और फ़ोन रिस्टार्ट। इसका जो पास हो रहा है, करंट कितना पास हो रहा है वो आपको अभी यहाँ पर दिखाते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, जो ये चार्ज हो रहा है 5.7 वाट्स का। यह है रियलमी 10 प्रो प्लस और आज हम इसको फुल टेस्ट करने वाले हैं। 8.30 का जो अपडेट आया है नया, तो सब कुछ आपको दिखाएंगे। और यहाँ पर अभी देख सकते हैं 57% बैटरी है और यहाँ पर हम शुरू कर दिए हैं इसका टाइमर, जिससे आपको ये पता चलेगा कि ये नॉर्मल यूज़ में इसका बैटरी कितना ड्रेन होता है। तो 57% बैटरी है और यहाँ पर टेम्परेचर आपको एक बार दिखा देते हैं, टेम्परेचर के बाद आपको पता चलेगा। तो 36.7 डिग्री टेम्परेचर है और हमारे बाहर के मौसम है उसका टेम्परेचर 37 डिग्री है। तो जो मौसम का टेम्परेचर है और जो फ़ोन का टेम्परेचर दोनों ही सेम है। यहाँ पर देख सकते हैं 37 डिग्री टेम्परेचर और कोई भी एसी वगैरह नहीं चालू है भाई, ठीक है। ऐसा मत सोचेगा कि एसी वगैरह चालू है, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं फ्रंट कैमरे में हमारा फ़ैन दिखा है जो स्टॉप है, क्योंकि अगर हम स्टॉप नहीं करेंगे तो हो सकता है कि आपको नॉइस वगैरह देखने को मिले। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वैसे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि इसमें फ़ीचर्स कौन सा आया। तो दो फीचर्स आया है, दिखाते हैं आपको। फ़ीचर्स देखने से पहले दोस्तों अगर आप देख लेंगे, ये एक चीज़ आपको दिखा देते हैं। जैसे यहाँ पर है और हम ऐसे लेके जाएंगे तो आपको एक नया तरह का टॉगल शो होगा और यहाँ पर लिख रहा है पॉकेट मिस टच प्रिवेंशन। तो ये वाला जो है फीचर्स आ गया है इसमें, जो आपको मिलेगा कहाँ पर, आप ऐसे करके जाइए और यहाँ पर होम स्क्रीन एंड लॉक स्क्रीन में, लॉक स्क्रीन में जाएंगे तो आपको नीचे में यहाँ पर देखने को मिलेगा। देख लीजिए, नीचे में आएंगे तो पॉकेट मिस टच प्रिवेंशन ये वाला मिलेगा, इसको ऑन कर दीजिए। पॉकेट में जब भी फ़ोन रहेगा आपका, आपका जो है फ़ोन अनलॉक नहीं होगा या फिर किसी भी तरह का लगेगा नहीं। लेकिन इससे एक प्रॉब्लम यह है कि ये वाला जब भी चालू रहेगा तो आपका प्रॉक्सिमिटी सेंसर चालू रहेगा, जिसकी वजह से आपका बैटरी ड्रेन होगा। तो ये चीज़ समझ लीजिए। दूसरा जो फीचर्स आया है यहीं पर आया है, आपको दिखा देते हैं। जैसे आप यहाँ पर जाएंगे लॉक स्क्रीन शॉर्टकट, इसमें जाएंगे तो देखिए ग्लांस रियल ग्लांस फॉर रियल मी ये वाला ऑप्शन आ गया है। इसमें जैसे ही करेंगे तो जो हमारा लॉक स्क्रीन में जो दिखता है, जैसे अभी तो ये वाला दिख रहा है वॉलपेपर, मेरा लाइव वॉलपेपर जो यूज़ किया करते हैं, अगर ग्लांस करेंगे तो ग्लांस दिखेगा, जिससे आपका बैटरी फिर ड्रेन होने वाला है। और अलग अजब अजब तरह का आपको वॉलपेपर देखने को मिलेगा, कभी कभी कुछ अलग भी आता है जो आप किसी को फ़ोन नहीं दे सकते, उस तरह का भी आ जाता। तो खैर यहाँ पर ये चीज़ दो फीचर्स हमने बता दिया। अब बात करते हैं इसका एंटूडू बेंचमार्क स्कोर। तो देखिए एंटूडू बेंचमार्क स्कोर के बारे में मैं एक ही बात बोलूँगा कि इस फ़ोन को दो बार एंटूडू बेंचमार्क स्कोर टेस्ट करिएगा। पहला बार मैंने किया 4 लाख आया और दूसरा बार बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग रिजल्ट आ गया एंटूडू बेंचमार्क स्कोर का। तो ये रहा 5,55,000 एंटूडू बेंचमार्क स्कोर निकल के आया, जो काफ़ी ज़बरदस्त है। तो यहाँ पर ये चीज़ हो गया। चलिए बात करते हैं थ्रॉटलिंग की। तो थ्रॉटलिंग के लिए क्या करना होगा, हमको नेटवर्क वगैरह को सबको बंद करना होगा। कि इसलिए बंद करते हैं कि नोटिफिकेशन वगैरह अगर आएगा एंटूडू में थ्रॉटल में, तो वो थ्रॉटल कर जाएगा और आपको फेयर नहीं लगेगा। तो हमने सब कुछ हटा दिया यहाँ पर और यहाँ पर हम थ्रॉटलिंग करते हैं। 36.7 डिग्री टेम्परेचर है, तो इससे पहले हम एक बार और टेम्परेचर आपको नाप के दिखा देते हैं कि कितना है। वैसे 57% बैटरी अभी भी है, आपको दिखा, आपको देख लिए होंगे तो देख सकते हैं 2 मिनट 3 मिनट हो गया और 57 बैटरी काफ़ी ज़बरदस्त चल रहा है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ये 38.76 डिग्री टेम्परेचर है। तो चलिए यहाँ पर थ्रॉटलिंग आपको दिखा देते हैं। तो ये हम शुरू कर दिया और फ्लाइट मोड में है, किसी भी तरह का मतलब कोई भी ये नहीं आएगा, मैसेज वगैरह नहीं आएगा। और यहाँ पर थ्रॉटलिंग देखते हैं कि थ्रॉटल करता है कि नहीं। जब तक ये हो रहा है वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को इस तरह का अमेजिंग कंटेंट के लिए। और इसके बाद दोस्तों आपको ये भी दिखाएंगे कि जो फ़ोन है धूप में कितने देर में हीट हो जाता है, पहला चीज़। और दूसरा चीज़ है कि फ़ोन धूप में अगर हीट होता है तो कितने देर में ये जो है कैमरा को बंद कर देता, वो भी चीज़ दिखाएंगे, वो भी टेस्ट करेंगे, आगे आपको दिखाएंगे। क्योंकि हम अपना टेस्टिंग को एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाह रहे हैं, तो आप लोगों का थोड़ा सपोर्ट चाहिए। वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपको चार्जिंग टेस्ट भी दिखाएंगे। और अभी जो है ये जो आप देख रहे हैं 57% बैटरी, अभी दिन के 11:45 हो रहे हैं, ठीक है। तो ये वाला जो है सब तकरीबन 12:45 हो गया है मुझे फ़ोन को चार्ज किए हुए। कल रात में मैंने 11 बजे से
इसको मतलब फुल चार्ज किया 100% और 11 बजे से मैं यूज़ कर रहा हूँ और अभी 56% बैटरी है, जिसमें से 7-8 मिनट मैंने गेम भी खेला था, वो भी आपको दिखाएंगे बीच में। तो थ्रॉटलिंग आप देख सकते हैं, थ्रॉटलिंग काफ़ी ज़बरदस्त यहाँ पर, मतलब परफॉर्मेंस काफ़ी ज़बरदस्त लग रहा है। 1 मिनट से ज़्यादा हो गया तो हम इसको स्टॉप करते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं इसका जो है काफ़ी ज़बरदस्त यहाँ पर रिजल्ट निकल के आया, जो देख सकते हैं। तो थ्रॉटलिंग को हम हटा देते हैं और टेम्परेचर जो है 39 डिग्री तक का चल गया है और अभी जाकर 56% बैटरी हुआ, 57 था 56 हुआ है। तो समझ लीजिए कि 1% जो बैटरी चल रहा है 3 से 3.5 मिनट तक का चल रहा है, ठीक है। तो अभी हम सारा कुछ मोबाइल नेटवर्क में करेंगे, वाईफाई में नहीं करेंगे, ताकि आप लोगों को सब कुछ फेयर लगे। तो आपने ये चीज़ देख लिया। अब बैटरी के बारे में एक बार आपको दिखा देते हैं कि बैटरी का परफॉर्मेंस कैसा था। तो बैटरी का परफॉर्मेंस कुछ इस तरह का था। तो यहाँ पर अगर आप ग्राफ ध्यान देंगे तो यहाँ पर देखिए, ये वाला जो है यहाँ पर सबसे पहले ये देखिए, यूज सिंस, यहाँ पर देखिए यूज सिंस लास्ट चार्ज जो मैंने किया है 100%, वो 12 घंटा 41 मिनट पहले चार्ज किया है। और फ़ोन को 100% के बाद अभी तक मैंने 12 घंटा 41 मिनट यहाँ पर फ़ोन को यूज़ किया है, जिसमें 56% बैटरी है, जिसमें हमने यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका यूजेस में अगर जाएंगे हम यहाँ पर बैटरी यूजेस बाई यूजेस ऐप, तो यहाँ पर अगर जाएंगे तो देखिए आईमो मैंने यूज़ किया लगभग यहाँ पर 34 मिनट आईमो यूज़ किया। यूट्यूब जो है मैंने बहुत देर यूज़ किया, 6 घंटा 22 मिनट मैंने यूट्यूब यूज़ किया है, ठीक है यहाँ पर। उसके बाद व्हाट्सअप मैंने यूज़ किया, देख सकते हैं व्हाट्सअप का भी यहाँ पर आ रहा है 27 मिनट व्हाट्सअप मैंने यूज़ किया है, फेसबुक भी यूज़ किया है। एंटूडू बेंचमार्क को 2 बार किया, एक बार 4 लाख रिजल्ट आया, दूसरे बार में 5,55,000। तो सिस्टम वगैरह है, टेलीग्राम यूज़ किया यहाँ पर, स्नैपडियो पिक्सार्ट ये सब वगैरह, कैमरा भी मैंने बीच में यूज़ किया और यहाँ पर बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया भी मैंने यूज़ किया यहाँ पर देख सकते हैं। और यहाँ पर क्रोम वगैरह भी है, वो भी मतलब चलाया, ये सब भी चलाया, इंस्टाग्राम फेसबुक मीशो रील फलाना ढिमकाना गूगल पे, और यहाँ पर गेम असिस्टेंट वगैरह भी रन किया है। तो ये सारा चीज़ रन करने के बाद इस तरह का कुछ यहाँ पर रिजल्ट आया है, ठीक है। तो चलिए अब क्या करते हैं, यहाँ पर अभी तक 56% बैटरी है, तो जैसे ही ये 50 मतलब उससे नीचे आएगा 55 आएगा, हम यहाँ पर YouTube टेस्ट करेंगे कि YouTube कितना मतलब 5 मिनट YouTube हम चलाएंगे और 5 मिनट YouTube चलाने के बाद 10th क्लास में हम YouTube चलाएंगे 5 मिनट और उसके बाद आपको दिखाएंगे कि कितने देर में कितना जल्दी मतलब बैटरी ड्रेन होता है, कितना परसेंट बैटरी गिरता है। लेकिन उससे पहले, इसको गिराने से पहले हम एक छोटी सी टेस्ट कर लेते हैं कि फिर से हम टेस्ट करते हैं कि 4K वीडियो जो है वो फंस रहा है या नहीं फंस रहा है। लेकिन मैं एक बार बता देता हूं दोस्तों, आप लोग मेरे बोली पे भरोसा रखिएगा, जो मुझे दिखेगा मैं बताऊंगा। और आपको इसलिए नहीं दिखा सकता हूं कि इससे पहले वाला वीडियो जो मैंने डाला था वहां पर हमें कॉपीराइट स्ट्राइक पड़ा था, तो उसके वजह से मैंने वीडियो को डिलीट किया और फिर से ब्लर करके मैंने वीडियो डाला, ठीक है। तो इसलिए वीडियो को अभी हम ब्लर करके डालेंगे ताकि आप लोग को मेरी बोली पे भरोसा रखिएगा, जो मैं बोल जो मुझे दिखेगा मैं वही बोलूँगा। तो पानी पानी हो गई, इसी में अटकता है मेन, यही सॉन्ग है। तो चलिए हम इसको यहाँ पर देखिए 4K रेजोल्यूशन वाला हम शुरू करते हैं, दिखता होगा ठीक है, यहाँ पर ब्लर दिखता होगा क्योंकि हम यहाँ पर ब्लर कर दिए इसको। तो यहाँ पर हम खाली ये दिखा दे रहे हैं आपको कि यहाँ पर 60 FPS 4K 60 FPS पे यहाँ पर कर दिया, ठीक है। अब जहाँ फंसेगा वो चीज़ मैं बताऊँगा आपको, सीरियसली बताऊँगा कि फंस रहा है कि नहीं फंस रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये शुरू हो गया है और जहाँ पर फंसता है हम वहाँ ले कर जा रहे हैं, तो वहाँ हम ले कर चल गए हैं और देखते हैं कि फंस रहा है कि नहीं फंसता है, ठीक है। तो यहाँ पर अभी सही चल रहा है, यहाँ पर थोड़ा सा जिटर फील हुआ और यहाँ पर जो कार निकलती है वो वहाँ पर थोड़ा सा फंसता है। तो चलिए देखते हैं कि फंस रहा है कि नहीं फंस रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर हल्का सा जिटर किया और यहाँ पर थोड़ा फंसा, ठीक है। तो पानी पानी सॉन्ग में हल्का सा फंस रहा, पहले के जैसा नहीं फंस रहा, तो इस तरह का कुछ यहाँ पर परफॉर्मेंस देखने को मिलता है। चलिए यहाँ पर ये तो टेस्ट हो गई कि 4K वीडियो जो है अभी भी फंसता है, उतना नहीं फंसता है लेकिन पहले से थोड़ा कम फंस रहा है। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि 55% बैटरी हो गया है, ठीक है। हम यहाँ पर टाइम क्लैप्स ले लेते हैं, तो समझ लीजिए कि 57 से हमने शुरू किया है, 57 या 8 से मैंने शुरू किया और 8 मिनट मतलब 9 मिनट हमने यहाँ पर मोबाइल को यूज़ किया है। चलिए अब यहाँ पर हम टाइम क्लैप्स ले लिए हैं और यहाँ पर यही वाला कोई भी वीडियो हम 4K वाला चला देते हैं या फिर कोई भी वीडियो हम चला देते हैं और यूट्यूब हम यहाँ पर यूज़ करते हैं, लगभग आप लोगों को बता दे रहा हूँ मैं लगभग यहाँ पर 5 मिनट यूट्यूब को यूज़ करूँगा और यहाँ पर फास्ट फॉरवर्ड में आपको लेके चलूँगा कि
यूट्यूब में क्या क्या चल रहा है नहीं चल रहा है, ठीक है। तो हम लोग 8:58 मतलब 8:50 सेकंड से हमने शुरू किया है यहाँ पर यूट्यूब, और 55% बैटरी है, ठीक है। तो देखते हैं कि कितने देर में कितना ड्रेन होता है। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं लगभग 8:50 से हमने YouTube शुरू किया था टेस्ट करना, और यहाँ पर देख सकते हैं लगभग 13:32 हो गया है। तो 13:50 में हम देखेंगे कि 55% बैटरी से कितना घटा है, क्या 1% घटा है या कम घटा है, क्योंकि यहाँ पर फुल रेजोल्यूशन में वीडियो चल रहा है जो आप देख सकते हैं। फास्ट फॉरवर्ड में आपको इसलिए दिखा रहे हैं भैया क्योंकि हमें कॉपीराइट स्ट्राइक वगैरह नहीं पड़े। तो देखिए यहाँ पर हो गया है लगभग 5 मिनट हमने यहाँ पर यूज़ किया है 5 मिनट, और 5 मिनट में यहाँ पर बैटरी जो है 1% भी अभी तक डाउन नहीं हुआ है। तो चलिए इसको हम कंटिन्यू रखते हैं और देखते हैं कि 55 से नीचे कितने देर में जाता है, ठीक है। यहाँ पर 55 से हमने शुरू किया था, और एक पर यूट्यूब कितना देर हम देखेंगे कि हमारा बैटरी यहाँ पर 1% गिरेगा। तो यहाँ पर देख लेते हैं इसको हम, हाँ यहाँ पर देख सकते हैं कि 8 मिनट से हमने शुरू किया था, और जब मैं बोल रहा हूँ तो आपको ब्लर दिखता होगा, क्योंकि ब्लर इसलिए कर रहे हैं कि भैया हमें कॉपीराइट वगैरह नहीं। तो अभी भी 55 में है दोस्तों। तो YouTube का जो कहानी कुछ इस तरह का है, YouTube अगर आप यूज़ करेंगे तो लगभग यहाँ पर 6 मिनट से ज़्यादा हो रहा अगर उंगली नहीं करेंगे, और सिंपल सा अगर आप ये वीडियो देखेंगे तो इस तरह का कुछ यहाँ पर आपको दिखेगा। तो अभी भी 55% बैटरी पर है, और 55 पे हमने शुरू किया था, तो काफ़ी ज़बरदस्त यहाँ पर बैटरी बैकअप देखने में आ रहा है इस अपडेट के बाद 8.30 का। और यहाँ पर देखेंगे क्या अभी तक गिरा, अभी तक नहीं गिरा है दोस्तों। तो इस तरह का कुछ यहाँ पर कहानी है। ये जो टेस्ट हो रहा आप लोगों के आंखों के सामने हो रहा, और 55% बैटरी अभी भी है। लगभग यहाँ पर YouTube जो चल गया है कि यहाँ पर 7 मिनट YouTube चल गया है, 7 मिनट से ज़्यादा ही चल गया है। तो देख सकते हैं अभी तक 1% भी बैटरी ड्रेन नहीं हुआ है, जो काफ़ी ज़बरदस्त मतलब रिकॉर्ड बनने जा रहा है बैटरी बैकअप का लेके। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर 55% अभी भी बैटरी है। अब ये क्यों है 55%, पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा है कि इतना ज़्यादा बैटरी बैकअप कैसे दे रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं अभी भी 55% बैटरी है। तो हम यहाँ पर फुल में फिर चलाएंगे, हम इसको बड़ा भी कर देते हैं ताकि ज़्यादा एरिया ले, और ऐसा नहीं है वीडियो जो है कम में चल रहा है, वीडियो भी एकदम हाई क्वालिटी में चल रहा है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर हो गया है 16, और यहाँ पर देख सकते हैं कि बैटरी जो है अभी भी 55 में है, मतलब 1% भी बैटरी ड्रेन नहीं हुआ है। बहुत ही ज़बरदस्त ये वाला अपडेट निकल के आया है 8.30 का, जिसमें बैटरी बैकअप बहुत ही ज़्यादा लाजवाब देखने को मिल रहा है। मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ, आप लोग है या नहीं कमेंट में ज़रूर बताएं। अभी भी देख सकते हैं यहाँ पर लगभग 9 मिनट होने वाला है, और अभी भी 1% बैटरी ड्रेन नहीं हुआ है आप लोगों के आंखों के सामने। देख लीजिए अभी भी यहाँ पर 55% बैटरी है, यहाँ पर देख सकते हैं 55% बैटरी अभी भी यहाँ पर नज़र आ रहा है, जो आप देख सकते हैं। हाँ 54 हो गया है दोस्तों, तो 54 यहाँ पर हो गया है, 1% बैटरी ड्रेन हुआ कितने देर में, यहाँ पर लगभग समझ लीजिए कि पूरा का पूरा 10 मिनट चला है, 10 मिनट में ये 1% बैटरी यहाँ पर ड्रेन हुआ है, जो काफ़ी कमाल का यहाँ पर रिकॉर्ड, मतलब ऐसा बोलते हैं कि रिकॉर्ड ब्रेक परफॉर्मेंस दे रहा है। यहाँ पर बात करते हैं, अब 40 डिग्री टेम्परेचर है और हम यहाँ पर अब गेम खेलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम जो गेम खेलेंगे वो मोबाइल नेटवर्क से खेलेंगे, वाईफाई से नहीं खेलेंगे। तो यहाँ पर हमने सब कुछ को क्लियर कर दिया, खाली टेम्परेचर रखेंगे और ये भी हटा देंगे, और फिर गेमिंग करते हैं और देखते हैं कि कैसा चलता है, किस तरह का चलता है। और 40 डिग्री है टेम्परेचर, तो यहाँ से हम BGMI बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया को हम यहाँ से ऑन करते हैं। तो बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया यहाँ से ऑन हो चुका है, और यहाँ पर हम टाइम क्लैप्स ले लेते हैं। तो कितने देर से हमने शुरू किया, यहाँ से गेम हमने शुरू किया है 18:34 से हमने यहाँ पर शुरू किया है गेम। तो 18:34 में इसका जो है टेम्परेचर जो था 40 डिग्री था, और यहाँ पर जो है बैटरी है 54%। तो 54 से कितना घटता है, और एक गेम हम खेलेंगे यहाँ पर नया वाला मैप का, जो नया मैप आया है उसमें हम खेलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम खेलेंगे नूसा मैप को खेलेंगे, यहाँ पर ऑन कर दे रहे हैं, और यहाँ पर हम इसका साउंड भी थोड़ा बढ़ा दे रहे हैं, लेकिन साउंड को हम कम कर देंगे। तो यहाँ पर हमने गेम शुरू कर दिया है, और बैटरी जो है अभी भी 54 में है, और 40 डिग्री टेम्परेचर था, और यहाँ पर देख सकते हैं कि 1 मिनट लगभग गुजरने वाला है।
कभी जैसे 34 होगा, तो गेम हमने 18:34 से शुरू किया था तो 19:34 में 1 मिनट हो गया, तो यहाँ पर गेम शुरू हो गया 1 मिनट हो गया है और यहाँ पर बैटरी जो है 54% है। तो चलिए गेमिंग करते हैं और देखते हैं कि कितने देर में बैटरी पूरा मतलब ड्रेन होता है। नोटिफिकेशन फोकस मोड में खेलेंगे, नहीं फोकस में नहीं खेलेंगे, जैसा है वैसी खेलेंगे। बस यहाँ पर जो है नोटिफिकेशन बुलेट नोटिफिकेशन जो है उसको बंद कर देंगे ताकि किसी भी तरह का नहीं आए। और देखिए हम ना हाई परफॉर्मेंस में खेल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ कहाँ गया, यहाँ पर था वो, हमारी जो बीमारी है वही वाली बात हो गई है यहाँ पर। तो यहाँ पर गेमिंग जो है लगभग यहाँ पर अभी चल रहा है बैटरी 52%, ठीक है। तो बैटरी यहाँ पर 52% बैटरी हो गया है और हमने शुरू किया था 18:34 से, तो यहाँ पर 24:00 यहाँ पर समझ लीजिए कि 24% बैटरी हो गया 24, तो यहाँ पर 24 मिनट में हमने किया। तो लगभग समझ लीजिए कि उधर से अगर देखा जाए तो 24, 20, 4 और 2, 6 मिनट में यहाँ पर 2% बैटरी ड्रेन हुआ है, ठीक है। 6 मिनट में 2% बैटरी ड्रेन हुआ है और यहाँ पर टेम्परेचर जो है 41 डिग्री टेम्परेचर तक का गया है। तो गेम को हम आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि कितने देर में और ये जाता है। तो हम गेम को यहाँ पर से कंटिन्यू करेंगे। अभी जो बैटरी है 52% बैटरी है और आपने टेम्परेचर देख लिया, तो हम यहाँ पर से एक TDM खेलेंगे, टीम डेथ मैच। और TDM जब शुरू किए हैं तो अभी जो हो रहा है देख लीजिए 52% बैटरी है और यहाँ पर देख सकते हैं कि 26 मिनट हो चुका है। तो चलिए देखते हैं, हमने 18:34 से शुरू किया था गेम खेलना और यहाँ पर देखते हैं कि क्या हिसाब किताब रहता है। और फ़ोन तो हीट हो चुका है, ये तो हमें समझ में आ ही रहा है, लेकिन देखते हैं कि गेमिंग वगैरह कैसा चलता है। थोड़ा हाथ चिपचिपा रहा है, थोड़ा पकड़ने में दिक्कत हो रही है। तो यहाँ पर पहले हमको तड़ाका दिया, खैर कोई बात नहीं, दूसरा देखते हैं। तो वो साइड वाला हमने ऑन नहीं किया, इस वजह से थोड़ा दिक्कत हो रहा है यहाँ पर। तो थोड़ा सा हमारा सेटिंग में दिक्कत है भैया, लेकिन तो इस तरह का गेम यहाँ पर चल रहा है कुछ। चलिए देखते हैं लैग स्टार्टर आपको देखने को मिलेगा कि नहीं, वो आप देखिए। और गेम जो है कब से शुरू हुआ है आप लोगों को पता है। तो यहाँ से हम थोड़ा सा सांस आ जाए फिर हम जाते हैं। हाँ यहाँ पर ब्राइटनेस थोड़ा सा कम हो गया, इसको हम बढ़ा लेते हैं। हम इधर जाएंगे, हमारा हिसाब ख़राब हो गया। खैर यहाँ पर हम आगे ही चल रहे हैं फिलहाल। तो और हमारा स्वेट की वजह से उंगली फंस रही है खेलने में, क्योंकि स्वेट बहुत ज़्यादा हो गया है। और 40 जहाँ पर हमें आया है अभी 38 डिग्री टेम्परेचर है, तो इस तरह का कुछ है यहाँ पर। फिलहाल तो सही चल रहा है, देख लेते हैं अंदर जाकर कि किस तरह का गेम रहता होता है। तो एक हमें मिल गया है यहाँ पर, और वो कहाँ गया।
तो यहाँ पर देख सकते हैं कि फ़ोन जो है यहाँ पर अटक गया है और फ़ोन रिस्टार्ट ले लिया है। ठीक है, तो इस तरह का कुछ कहानी है, फ़ोन रिस्टार्ट ले लिया है। तो यहाँ पर लगभग हमने जो गेम खेला, लगभग यहाँ पर समझ लीजिए कि 5:18:34 से हमने गेम शुरू यहाँ पर किया था और लगभग 18 और इधर 17 मिनट हमने गेम खेला। 17 मिनट में यहाँ पर लगभग यहाँ पर 53% बैटरी था। तो 17 मिनट हमने गेम खेला, 17 मिनट में लगभग यहाँ पर 5% बैटरी ड्रेन हुआ है गेमिंग के दौरान में। टेम्परेचर जो गया है, लास्ट आपको बता देते हैं कि इसके बाद फ़ोन रीस्टार्ट ले लेता है। तो 44.4 डिग्री टेम्परेचर गया, उसके बाद रीस्टार्ट ले लिया। तो इस तरह का कुछ यहाँ पर गेमिंग मिलता है और टेम्परेचर लास्ट इतना ही जाता है, 44 से ऊपर, मतलब 44.5 गया और उसके बाद फ़ोन जो है रीस्टार्ट ले लिया। ठीक है, तो इस तरह का यहाँ पर टेम्परेचर जाने के बाद कैमरा ये जो है गेमिंग इस तरह का मिलता है। और हमने दिखा दिया आपको कि यूट्यूब जो है लगभग आप यहाँ पर 10 मिनट यूट्यूब देखेंगे तो 1% बैटरी ड्रेन होगा और बाकी आपको दिखा दिया। अब यहाँ पर हम चार्जिंग भी दिखाएंगे आपको आगे। फिलहाल हम कैमरे के बारे में बात करते हैं कि कैमरे कितने देर में, मतलब हम 4K वीडियो को रिकॉर्ड करेंगे और देखेंगे कि कितने देर में कैमरा जो है अपने से रिस्टार्ट ले लेता है। तो दोस्तों यहाँ पर हम टेस्टिंग शुरू कर दिए हैं, आउटडोर में हम आ चुके हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पर अभी 74% बैटरी है और फ़ोन का जो टेम्परेचर है 38 डिग्री टेम्परेचर है। तो यहाँ पर अभी हम इसको वीडियो रिकॉर्डिंग करते हैं इस फ़ोन का और देखते हैं कि कितने देर में ये ओवरहीट वगैरह होता है। और जो वीडियो रिकॉर्डिंग हम करेंगे वो सबसे पहले हम चेक करेंगे यहाँ पर वीडियो 4K 30 FPS पे और देखते हैं कितने देर में यहाँ पर ये होता है, मतलब ऑफ हो जाता है। ठीक है, और यहाँ पर हम टाइमर भी शुरू कर देते हैं इसका ताकि आप लोगों को पता चले कि क्या है कितना है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले टाइमर स्टॉप वॉच भी शुरू करते हैं और हम अपना जो मेरे पास जो वॉच है वो भी शुरू करते हैं और उसके पास देखें यहाँ पर चल रहा है टाइमर और यहाँ पर वीडियो में जाके हम यहाँ पर शुरू कर दिए है 4K 30 FPS पे वीडियो। ठीक है, और हम वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं, यहाँ पर टाइमर भी आपको दिखता होगा, जो चल रहा है टाइमर वो भी दिखता होगा यहाँ पर। तो चलिए देखते हैं कितने देर में ये बंद होता है, क्या होता है नहीं होता है। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर तकरीबन 7 मिनट में आ चुका है कि फ़ोन हीट हो गया है 4K वीडियो पे। यहाँ पर देख सकते हैं मैसेज आपको दिखा देते हैं, तो यहाँ पर देख सकते हैं ये जो मैसेज है फ़ोन हीट हो गया है तो इस वजह से इसको वीडियो को रिकॉर्डिंग को स्टॉप करना पड़ा। ठीक है, तो 4K वीडियो जो है आउटडोर में यहाँ पर समझ लीजिए कि टाइम पुश करते हैं हम तो 7 मिनट में ये हॉट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे टेम्परेचर, तो टेम्परेचर यहाँ गया है 43 डिग्री टेम्परेचर पे, ये बोल देगा आपको कि फ़ोन जो है आपका हॉट हो गया है। दोस्तों ये है Realme 10 Pro Plus और ये है पूरा का पूरा 0 पे और यहाँ पर से हम टाइमर भी शुरू कर रहे हैं और इसको चार्ज में भी लगा रहे हैं। तो यहाँ पर अभी हम चार्ज में लगा रहे हैं इसको और वैसे टेम्परेचर हमारे तरफ बहुत ही ज़्यादा बढ़ा हुआ है, तकरीबन 40-42 डिग्री है टेम्परेचर, अभी तो आपको दिखा देंगे। लेकिन यहाँ पर से हमने चार्ज में लगा दिया और इसका टाइमर भी शुरू कर दिया। तो देखिए 0% से हमने शुरू किया है और देखते हैं कि कितने देर में कितना परसेंट बैटरी चार्ज होता है। तब तक वीडियो को लाइक करिए और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और यहाँ पर देख सकते हैं ये जो है चार्ज में लग चुका है। तो यहाँ पर टाइमर वगैरह भी आपको सही पता चलता होगा कि कितने टाइम में हो रहा है और यहाँ पर देख सकते हैं ये भी ऑन हो गया है। तो चलिए देखते हैं कि कितने देर में ये चार्ज हो जाता है फुल और कितना टाइम लगता है, सब कुछ आपको यहाँ पर पता चल जाएगा। तो यहाँ पर ऑन हो चुका है और देख सकते हैं यहाँ पर जो है ये 1% चार्ज हो गया है, यहाँ पर देख सकते हैं 1% चार्ज हो गया है। वैसे हम टेम्परेचर अभी देख लेते हैं इसका
कि कितना डिग्री टेम्परेचर है। ठीक है, तो यहाँ पर से हम टेम्परेचर देख लेते हैं और यहाँ पर 21:17 हो रहा है और यहाँ पर देख सकते 2% बैटरी चार्ज हो गया है और 35 डिग्री टेम्परेचर है। तो यहाँ पर थोड़ा सा हम ब्राइटनेस कम कर देते हैं और अभी हम इसको जो चेक करेंगे सिर्फ मोबाइल नेटवर्क चालू रहेगा बस, बाकी वाईफाई ब्लूटूथ और यहाँ पर सीवर वगैरह सब कुछ बंद रहेगा और देखेंगे फुल चार्ज होने में कितना टाइम इसको लगता है। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं आप कि यहाँ पर 1:07 हो चुका है और यहाँ पर सिर्फ मोबाइल नेटवर्क ऑन रहेगा, बाकी कुछ ऑन नहीं रहेगा। दोस्तों यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं कि 3% बैटरी चार्ज हो गया है और यहाँ पर 2:51 तीन मिनट यहाँ पर भी होने वाला है और यहाँ पर एक बार नेट ऑन करके हल्का सा आपको दिखा देते हैं कि टेम्परेचर कितना है अभी हमारे तरफ, क्योंकि टेम्परेचर बहुत बड़ा मैटर करता है फास्ट चार्जिंग में। तो 39 डिग्री यहाँ पर टेम्परेचर अभी दिखा रहा है नाइट का, देख सकते हैं। तो यहाँ पर 33 डिग्री टेम्परेचर है, लगभग 33 डिग्री टेम्परेचर है, 39 दिखाया था लेकिन 33 डिग्री टेम्परेचर है। और देख लेते हैं कि कितने देर में कि ये चार्ज होता है। तो यहाँ पर 1% हो गया और हम नेट वगैरह को बंद करते हैं। तो चलिए हम थोड़ी देर में आते हैं और देखते हैं कि कितने देर में कितना परसेंट यहाँ पर चार्ज हुआ है। टाइमर यहाँ पर चल रहा है और इसको हम ऑफ कर देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर अभी हो गया है 69 मिनट और यहाँ पर 83% बैटरी है। और टेम्परेचर के बारे में बात किया जाए तो यहाँ पर जो टेम्परेचर आया है निकल के 83% बैटरी है और टेम्परेचर 40 डिग्री टेम्परेचर है। तो टेम्परेचर जितना ज़्यादा रहेगा उतना स्लो चार्ज होगा। और यहाँ पर आपको एक चीज़ दिखाते हैं एंटूटू में कि अभी इसका जो पास हो रहा है करंट कितना पास हो रहा है वो आपको अभी यहाँ पर दिखाते हैं। तो इसको ओपन होने दीजिए, वैसे एंटूटू बेंचमार्क स्कोर तो आप लोग पता है। तो यहाँ पर चार्जिंग टेस्ट यहाँ अगर लिखेंगे यहाँ पर गॉट इट करेंगे तो ये थोड़ी देर में देख लीजिए। तो ये जो चार्ज हो रहा है कंटिन्यू यहाँ पर देख सकते हैं आप, जो ये चार्ज हो रहा है 5.7 वाट्स का जो है करंट यहाँ पर पास हो रहा है, देख सकते हैं। अभी देखिए यहाँ पर 6 में हो गया है, यहाँ पर 6 में चल गया है और देख सकते हैं सारा का सारा यहाँ पर दिखा रहा है। बैटरी जो है 1 सेल का बैटरी है यहाँ पर, तो दिखा रहा है कि कितने, मतलब यहाँ पर दिखा रहा है जो टेम्परेचर है, देखिए टेम्परेचर भी यहाँ पर शो हो रहा है और यहाँ पर मिली एम्पियर वगैरह भी है, वो भी चीज़ यहाँ पर चल रहा है जो आप देख सकते हैं, कुछ यहाँ पर देखने को मिलता है। तो कितना वाट पास हो रहा है देख सकते हैं कि ये 67 वाट का चार्जर है लेकिन 6.82 वाट यहाँ पर पार हो रहा है। तो देखिए अभी बढ़ गया है यहाँ पर, अभी जो यहाँ पर पास हो रहा है लगभग यहाँ पर देख सकते हैं कि 7.125 वाट, मतलब 7 वाट से ऊपर यहाँ पर चार्ज हो रहा है Realme 10 Pro Plus। तो इस तरह का कुछ यहाँ पर देखने में आता है। यहाँ पर एक चीज गौर करिए दोस्तों, यहाँ पर मैंने आपको दिखा रहा है जो, तो यहाँ पर देखिए टेम्परेचर जो है 41.2 जैसे किया तो यहाँ पर फिर यह 5 वाट में आ गया। तो अगर इस पे हम, मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा और वहां पर मैं क्या करूंगा आपको कि मैं उसको कोल्ड भी करूंगा और हॉट भी करूंगा फोन को, और आपको दिखाऊंगा कि हॉट में टेम्परेचर और यहाँ पर जो चार्जिंग का जो इसका हिसाब किताब है वो कितना बढ़ता है और घटता है। तो वो हम टेक्नोलॉजी जो है वो यूज़ करेंगे, वो अलग लेवल का है, मैं कुछ सोचा हूँ वो चीज़ करूँगा और आप लोगों को दिखाऊंगा कि क्यों फास्ट चार्ज होता है और क्यों स्लो चार्ज होता है, किस वजह से होता है, किस वजह से मैनेज किया जाता है और बैटरी ऑप्टिमाइज किया जाता है, वो चीज़ आपको दिखाऊंगा। तो यहाँ पर हम आए हैं, अभी हो गया है लगभग 87 मिनट और 87 मिनट में ये हुआ है 92% चार्ज और वोल्टेज देखते हैं कि कैसा पास हो रहा है यहाँ पर एंटूटू के हिसाब से। तो चलिए देख लेते हैं कि किस हिसाब से यहाँ पर वोल्टेज पार हो रहा है। वैसे यहाँ पर कहाँ गया, चार्जिंग टेस्ट, स्टोरेज टेस्ट, चार्जिंग टेस्ट, हाँ। तो यहाँ पर हम गॉट इट करते हैं और अभी देखते हैं कि कितना ज़्यादा यहाँ पर हुआ है। प्लीज कनेक्ट चार्जर, अरे चार्जर तो कनेक्टेड है। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि 2.01 वाट्स का यहाँ पर चार्जिंग यहाँ पर दिखाया जा रहा है जो इसमें पास हो रहा है अभी देख सकते हैं, और बहुत ही ज़्यादा घट गया है क्योंकि 42 डिग्री यहाँ पर टेम्परेचर चल गया है। ठीक है, अब 42 डिग्री टेम्परेचर गया है तो किन किन वजहों से गया आपको बताते हैं। सबसे पहला चीज़ यहाँ पर जो है, यहाँ पर जो हम रखे हैं ये पूरा का पूरा हीट हो चुका है, तो इस वजह से यहाँ पर जो चार्जिंग स्पीड है वो घट गया है। ठीक है, देख रहे हैं डिटेक्शन फेल हो गया है यहाँ पर, तो चार्जिंग इस वजह से घट गया है, इस वजह से ज़्यादा देर भी लग रहा है और हमारे एरिया में मतलब जो रूम है, रूम टेम्परेचर अभी बहुत ही ज़्यादा है, लगभग अगर बाहर का देखा जाए तो यहाँ पर
36-37-38 डिग्री तक का टेम्परेचर है, और जो फ़ोन का टेम्परेचर है आप लोगों को भी पता है कि यहाँ पर 42.2 डिग्री टेम्परेचर है सिर्फ चार्जिंग में, तो इस तरह का कुछ है। इस वजह से यहाँ पर चार्जिंग जो है यहाँ पर 92 पर देख लीजिए, यहाँ पर ये जो है टाइम जो है बीट करने वाला है, अब 92 मिनट हो चुका है यहाँ पर और 93% बैटरी चार्ज है। तो चलिए देखते हैं कि कितने देर में ये फुल चार्ज कर देता है। तो यहाँ पर दोस्तों लगभग देख सकते हैं कि 99 मिनट में ये फुल चार्ज हुआ है, मतलब एक घंटा से ज़्यादा लग चुका है यहाँ पर फुल चार्ज होने में। 100% ये चार्ज हो गया है जो आप देख सकते हैं स्क्रीन में। तो यहाँ पर लगभग 99 मिनट में ये फुल चार्ज हुआ है, तो इस तरह का कुछ यहाँ पर चार्जिंग स्पीड है। अब आप सोचेंगे कि इतना ऊपर नीचे क्यों हुआ है, इतना ज़्यादा क्यों हुआ है, तो टेम्परेचर आज बहुत ही ज़्यादा हाई था और इस रूम का तो बहुत ही ज़्यादा था। अभी देखिए ये फिर 100% चार्ज हो गया, तो ये टेम्परेचर डाउन कर दिया। तो देख सकते हैं यही है इसका चार्जिंग टेस्ट जो मैंने आपको दिखाया।